दोस्तों कलर्स टीवी का सबसे फेमस शो नागिन सीरीज का चौथा भाग अब टीवी पर प्रसारित हो रहा है। नागिन सीरियल के इस सीजन को दर्शक बड़ा पसंद कर रहे हैं। इस सीजन में निया शर्मा, जैस्मिन भसीन, विजेंद्र कुमारिया लीड रोल में दिख रहे हैं। इन सभी के अभिनय को इस सीरियल में बड़ा पसंद किया जा रहा है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन पांच अभिनेत्रियों से मिलवाने वाले हैं। इन्होंने सीरियल में वृंदा का रोल ठुकराने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये रोल बाद में निया शर्मा को मिल गया। तो कौन सी है वो पांच अभिनेत्रियां जिन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया, आइए जानते हैं। नंबर पांच, अविका गौड़। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री अविका गौड़ आज बहुत बड़ी और खूबसूरत हो चुकी है। लेकिन जब इन्हें नागिन सीरियल में वृंदा का रोल ऑफर हुआ तो इन्होंने इस रोल को करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अभी ये अपना करियर साउथ इंडस्ट्री में बनाने में बिजी है। आज ये साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों को साइन कर चुकी है, इसलिए इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। नंबर चार, एरिका फर्नांडिस। एरिका फर्नांडिस ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियो से की थी, लेकिन इन्हें खास पहचान टीवी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी इनसे मिली थी। आज ये स्टार प्लस के सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में प्रेरणा का किरदार निभाती हुई दिख रही है। लेकिन जब इन्हें सीरियल नागिन 4 में वृंदा का रोल ऑफर हुआ तो उन्हें रोल करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि ये ऐसे रोल में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। नंबर तीन, रश्मि देसाई। भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री रश्मि देसाई को एक खास पहचान सीरियल उत्तरन से मिली। इस सीरियल के बाद ये टीवी इंडस्ट्री के कई सीरियल में नजर आई, लेकिन जब इन्हें सीरियल नागिन 4 में वृंदा का रोल ऑफर हुआ तो इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया, क्योंकि तब तक इन्होंने बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, जिसकी वजह से ये नागिन 4 में काम नहीं कर पाई। नंबर दो, मौनी रॉय। मौनी रॉय ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की थी। इस सीरियल के बाद मौनी रॉय टीवी के कई सीरियल में नजर आई, लेकिन खास पहचान मिली नागिन 1 से, जिसमें इन्होंने शिवन्या का किरदार निभाया। इस किरदार के बाद मौनी रॉय का नाम टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गया, जिसकी वजह से मौनी रॉय को बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले। यही वजह है कि मौनी रॉय ने नागिन 4 में लीड रोल करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अभी बॉलीवुड की कई फिल्मों को साइन कर चुकी है। नंबर एक, जेनिफर विंगेट। अगर बात टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की जाए तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है अभिनेत्री जेनिफर विंगेट का, जिन्होंने आज तक टीवी इंडस्ट्री के कई हिट सीरियल में काम किया। लेकिन जब इन्हें सीरियल नागिन 4 में वृंदा का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया, क्योंकि वो इस तरह के रोल नहीं करना चाहती थी। और दूसरी वजह यह थी कि वो पहले ही बेहद 2 सीरियल को साइन कर चुकी थी, इसलिए इन 2 कारणों की वजह से इन्होंने नागिन 4 में काम करने से मना कर दिया। इन 5 अभिनेत्रियों द्वारा वृंदा का रोल ठुकराने की वजह से ये रोल निया शर्मा की गोद में आ गिरा। तो निया शर्मा भी इस रोल को बेहतरीन तरीके से निभा रही है, जिसे दर्शक बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन 5 अभिनेत्रियों में कौन सी अभिनेत्री वृंदा के रोल में निया शर्मा से भी बेहतरीन निभा सकती थी? तो उस अभिनेत्री का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही टीवी से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।